ब्रिटेन दौरे में राहुल गांधी ने भारतीय लोकतंत्र को लेकर जो कुछ भी कहा उसके बाद से देश में संसद से लेकर सड़क तक बवाल है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सत्ताधारी बीजेपी ने कमर कस ली है कि अगर कांग्रेस नेता राहुल गांधी माफी नहीं मांगते तो उन्हें लोकसभा से निलंबित किया जाएगा। लोकसभा की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है, हंगामे हो रहे हैं, हंगामे की भेंट चढ़ रही है सदन की कार्यवाही। अब आपको बताते हैं कि वो कौन सी ऐसी स्थिति होगी जिसमें राहुल का निलंबन संभव है या फिर लोकसभा से उनकी सदस्यता जा सकती है। बीजेपी ने इसके लिए लोकसभा स्पीकर से संपर्क साधा, इसके लिए प्रयास भी शुरू हो चुके हैं कि कैसे राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म किया जाए। अब आपको यह भी बताते हैं कि दरअसल पूरा प्रावधान क्या है, वो कौन से प्रावधान हैं जिसके तहत केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी को सस्पेंड किया जा सकता है। बीजेपी इसे लेकर खासा आक्रामक है। पहले भूमिका समझिए कि विशेषाधिकार क्या है और किस तरीके से सांसदों और विधायकों को उनकी सदस्यता खत्म करने का प्रावधान फिलहाल किया गया। आम लोगों से अलग सांसदों और विधायकों को कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं ताकि वो बतौर सांसद या विधायक अपना काम कर सके। सरकार, कोई व्यक्ति या संस्था और उनके साथी सांसद या विधायक भी काम में अड़चन पैदा न कर सके। जैसे संसद या विधानसभा परिसर में किसी सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ये और ऐसे इस तरीके के बहुत सारे नियम हैं। अगर किसी संसद सदस्य या बाहरी व्यक्ति या संस्था द्वारा इन अधिकारों का हनन किया जाता है तो वो सदन की अवमानना या विशेषाधिकार हनन के दायरे में आता है। ये तो हो गया विशेषाधिकार क्या है इसकी, इस संदर्भ में जो जानकारी अब तक प्रावधानों में है। अब आपको बताते हैं कि राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का आखिर मामला क्या बना है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल को अडानी मामले में विशेषाधिकार हनन नोटिस भेजा। दरअसल केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए ये आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के अरबपति गौतम अडानी के साथ संबंध है। राहुल गांधी पर लोकसभा के कामकाज के नियम 353 और 369 के उल्लंघन का आरोप है। नियम 353 कहता है कि जो सदन में मौजूद नहीं है उसके खिलाफ आरोप नहीं लगाए जा सकते, क्योंकि वो अपना बचाव नहीं कर सकता, इसलिए आप उस पर कोई भी आरोप नहीं लगा सकते। नियम 353 ही ये बात भी कहता है कि किसी सदस्य को किसी अन्य सदस्य के खिलाफ आरोप मढ़ने से पहले लोकसभा सचिवालय को बताना पड़ेगा और लोकसभा अध्यक्ष से उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। वहीं नियम 369 ये कहता है कि सदस्य सदन में कोई कागज दिखाएं तो उसे उसकी सत्यता का प्रमाण पेश करना होता है। आपको याद होगा राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोलते हुए गौतम अडानी की तस्वीर दिखाई थी। इस पूरे मामले में यदि कमेटी अपनी जांच में सदस्य को दोषी मानती है तो उसके अधिकतम पूरे सत्र के लिए निलंबित किया जा सकता है। बहुत सारे कानून के जानकार बहुत सारी किताबें लिखते हैं, लेकिन आप सब जानते होंगे सुभाष कश्यप, जो कि संविधान के लिए बहुत अच्छे तरीके से गूढ़ विषयों के साथ अपनी बातें रखते हैं, वो कहते हैं कि किसी सदस्य ने विशेषाधिकार का हनन किया है या सदन की अवमानना हुई है या नहीं हुई है, ये तय करने का अधिकार भी सदन का ही होता है। सोचिए, सदन के सदस्यों के ऊपर अगर कोई इस तरीके की बात होती है तो इसका अधिकार भी सदन के सदस्यों को ही है। आप समझिए कि बीजेपी इसका फायदा कैसे उठाएगी और सियासत पर इसका क्या असर पड़ेगा। चुनावी साल है, अगले साल लोकसभा चुनाव है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी वायनाड से सांसद राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करवाना चाहती है, ये वो सोच रही है। इस पर राजनीतिक जानकार कहते हैं कि पार्टी ऐसा करके राहुल पर प्रेशर रखना चाहती है, दबाव बनाना चाहती है। वहीं पार्टी के कई नेताओं को यह भी डर है कि सदस्यता खत्म होने से राहुल को जनता की सहानुभूति मिल सकती है। अभी लोकसभा चुनाव होने में साल भर का समय है, ऐसे में उपचुनाव में यदि राहुल वायनाड से दोबारा जीत जाते हैं तो ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका भी होगा। हम आपको बता रहे हैं कि सियासत पर इम्पैक्ट क्या होगा। लोगों में एक गलत राजनीतिक संदेश भी जाएगा कि अगर राहुल दोबारा उपचुनाव में जीत जाते हैं तो ये कहा जाएगा कि भाई ये तो उनके साथ साजिश हुई थी। बहरहाल पॉलिटिकल एक्सपर्ट, कई सारे राजनीतिक पंडित मानते हैं, इसी कड़ी में राशिद किदवई कहते हैं कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से बीजेपी के रणनीतिकार राहुल गांधी को लार्जर देन लाइफ इमेज बनाना चाहते हैं ताकि 2024 का लोकसभा चुनाव मोदी बनाम राहुल गांधी का दिखाई पड़े। इस लड़ाई में भी अगर
फर्स्ट फेज में देखिए तो राहुल कमजोर ही नजर आते हैं। दूसरी बड़ी बात जो राजनीति से जुड़ी होती है वो ये होती है कि विपक्ष की एकजुटता और एकता भी खतरे में आती दिखाई पड़ती है, क्योंकि विपक्षी दल जैसे तृणमूल कांग्रेस हुई, जदयू हुई या आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां हैं, राहुल को अपना लीडर नहीं मान रही है। ये बीजेपी की मुराद पूरी होने जैसा मामला होगा। ऐसे में बीजेपी राहुल की लोकसभा सदस्यता को खत्म करवाने का भी प्रयास करेगी। ये वो दोनों पहलू हैं जो संभव हो सकते हैं। कांग्रेस को इसका फायदा भी मिल सकता है और इसका फायदा बीजेपी को भी मिल सकता है। बहरहाल कांग्रेस लगातार ये कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी की सदस्यता को कैसे खत्म किया जाए और सदन की कार्रवाई लगातार राहुल के माफी मांगने और अडानी से संबंधों को लेकर हंगामे की भेंट चढ़ रही है, जिससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ जनता का हो रहा है। देखना यह है कि राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म करने के लिए अभी और क्या कुछ हो सकता है। माना यह भी जा रहा है कि एक कमिटी का भी गठन हो सकता है। सारी खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे, आपको सिर्फ देखना है amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।